हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, और जो कि हमें अच्छा खासा 40% का पोटेंशियल यहां पर नजर आता है। और विद इन 3 मंथ्स मेरे अकॉर्डिंग 40% के रिटर्न आपको मिल जाने चाहिए। और 40% के रिटर्न 3 मंथ्स में नहीं, 6 मंथ में ही मिलते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बेहतरीन रिटर्न बने जाते हैं। बुल मार्केट को आप छोड़ दो कि हर एक स्टॉक्स अच्छा खासा तरीके से भागेगा, अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े रिटर्न मिलते जाए उसे एक फॉर्चुनेट समझिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस से मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर कल की डेट में वीडियोस आई थी, इन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा। 2900 रुपए का स्टॉक जब भी आपको गिरावट में अगर मिलता है तो यहाँ पर इस पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा, अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उस स्टॉक्स का नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर। इजी ट्रिप प्लानर करता क्या है, बिजनेस मॉडल को समझेंगे और यहाँ पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए 52 वीक हाई की बात करें, 17 सितंबर को 717 रुपए का स्टॉक हुआ करता था ये। उसके बाद यहाँ पर गिरावट है और 450 रुपए तक आया था, और अभी 505 रुपए पे शेयर चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इनकी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट वगैरह सब चीज दे रखी है। डिविडेंड आई थिंक यहाँ पर मिल रहा होगा, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड वगैरह भी दिया है 1 रुपए का। यहाँ पर सब चीज यहाँ देख सकते हैं, 2 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड अप्रैल में भी कंपनी ने दिया था, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है। ये वाला स्टॉक्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर 180 में खरीदा था, उसके बाद जल्दी बेच दिया था। और अगर बात करें यहाँ पर कल की रेट में यहाँ पर दोबारा से इसमें पोजिशन बनाई थी 490 पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे नजर आता है और अच्छे खासे बेहतरीन यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं, जो कि हम अभी आगे जब चार्ट पैटर्न इसका पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फाइनेंशियल उस कंपनी से रिलेटेड जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द कंपनी ऑफर अ कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर द फ्लैग ब्रांड इज माई ट्रिप। मतलब इज माई ट्रिप के अंडर यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, डिफरेंट सर्विसेज देती हुई नजर आती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एयर टिकट, होटल एंड हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट एंड टैक्सीज, एज वेल एज एंसिलरीज, वैल्यू एडेड सर्विस सच एज ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड टिकट फॉर एक्टिविटी एंड अट्रैक्शन। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी हॉलीडे टिकट, रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं, एयर टिकट से रिलेटेड होटल्स बुक कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर अपना वीजा प्रोसेस करा सकते हैं। और मतलब जितनी भी आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको मिलती जाएंगी। प्लस में ऑफर्स यहाँ पर चलते रहते हैं, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा किस तरीके से ये ऑफर्स निकालते रहते हैं, फ्लाइट, होटल, बस, हॉलीडेज, ये इससे रिलेटेड ये अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं। और इसी से इनका ये क्रूज वगैरह से रिलेटेड, और इंडिया में ही नहीं आउटसाइड इंडिया भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एज अ ब्रोकर की तरह ही काम करती हुई नजर आती है और अच्छा खासा पैसा उन सर्विसेज से मिलता हुआ नजर आता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 5482 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 56 का इसका पी है। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें 65.46 है, जो कि सबसे बेहतरीन माना जाता है। डेट की बात करें, कंपनी डेट फ्री लगभग कह सकते हैं, 28% का डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है। शेयर यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी टूट चुका है, 2 की फेस वैल्यू है, और यहाँ पर सब चीज अच्छी खासी हमें यहाँ पर नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो शेयर को आए हुए ज्यादा टाइम हुआ है, 16 मार्च को आया था, उसके बाद आपके पैसे को लगभग 3 गुना ये कर चुका है। यहाँ पर अगर देखेंगे 208 रुपए से ओके 700 कुछ रुपए तक जाना, लगभग 3-4 गुना यहाँ पर आपका पैसा होता हुआ नजर आया। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने है, सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी चल रही थी, बट यहाँ पर पैंडमिक आया, पैंडमिक की वजह से यहाँ पर चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। जैसे जैसे पैंडमिक यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर दोबारा सेल्स आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर अभी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर देखिए 19 करोड़ से 44 करोड़ की सेल्स, और ईयरली बेसिस पे 10 करोड़ से यहाँ पर 44 करोड़ की सेल्स। तो धीरे धीरे यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है, और जैसे जैसे सब चीज धीरे धीरे और ओपन अप होती जाएंगी, यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर टिकटिंग बुक होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर अगर बात करें,
ये शेयर और ज्यादा अच्छा खासा सेल्स यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। और प्रॉफिट की बात करें, जो 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर 16 से 27 हुआ क्वार्टरली बेसिस पे, 6 करोड़ से यहाँ पर 27 हुआ। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट इस साल को छोड़ दे, इस क्वार्टर को छोड़ दे, तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न पेश करे है। ईयरली बेसिस पे बात करें, 209 करोड़ रुपए की सेल्स, अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स में चल रही थी, फिर यहाँ पर सेल्स यहाँ पर डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फिर यहाँ पर पैंडमिक का रीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें कंपनी ने, अभी अगर हम यहाँ से देखें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 4-5 साल से हाईएस्ट एवर पिछले 12 महीने की सेल्स होती हुई नजर आई है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया है 97 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ पर चीजें अब धीरे धीरे सुधर रही है, और कंपनी पहले तो शुरुआती दौर में थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी है इधर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग वेबसाइट भी मिलती हुई नजर आती है जो कि इनके कॉम्पिटिटर है। बट कंपनी ओवरऑल अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा खासा यहाँ पर सब चीज करती हुई नजर आ रही है। तो इसकी तरफ स्टिक हो सकते हैं, कंपनी की तरफ नजरें बना सकते हैं, जब तक कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट पेश करती रहेगी, और तब तक यहाँ पर आप इनके साथ में रह सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 165 करोड़ के रिजर्व्स इस क्वार्टर के में रहते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग की बात करें, इस क्वार्टर में यहाँ पर थोड़ी सी बोरिंग इनकी बढ़ी है, 52 करोड़ रुपीज की बोरिंग है। यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें कंपनी के पास 186 करोड़ रुपीज का कैश भी होता हुआ नजर आया, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर अभी आरओसी आरओई की बात करें तो अच्छा खासा ही आरओसी आरओई रहा है, 65% तक का आरओसी यहाँ पर अभी चल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर एज इट इज बनी हुई है 74.9%, जो कि यहाँ पर सेबी का रूल भी है 75% का, वही यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। एफआईज की बात करें, एफआईज ने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, जब 1.09 थी वो 2.04 हुई है। डीआईज यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए नजर आए, 11 से 5%, 5% से 2% यहाँ पर होती हुई नजर आई है। बट अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है 9 से 18 हुई, और अभी की बात करें तो 20.24% की होल्डिंग है। तो एफआईज के पास भी शेयर है, डीआईज के पास भी शेयर है, यहाँ पब्लिक के पास भी शेयर है, और प्रमोटर्स के पास भी शेयर है। तो यहाँ पर जब ये शेयर इतना ऊपर गया था, यहाँ से टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर डीआईज ने यहाँ पर शेयर को बेचते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं कुछ पैरामीटर की। देखिए ये शेयर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कितना यहाँ पर टूट चुका है, लगभग 42% यहाँ पर टूटा हुआ नजर आता है, 42% के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम हाई है। और इस तरीके से एक कर्व बनाते हुए शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आता है, रिजल्ट अच्छे है क्वार्टरली ईयरली बेस पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम टाइम देंगे 3 महीने का, तो अगले रिजल्ट से पहले यहाँ पर शेयर एटलीस्ट यहाँ पर इतना तो ये 624 रुपीज तक तो जाता हुआ दिखाई देता है। तो 20 से 25% और 30% के रिटर्न तो यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, 30% के रिटर्न यहाँ पर मुझे नजर आते हैं एटलीस्ट यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर। और यहाँ पर बात करें कुछ और चीजों की, तो और चीज ये क्या है, इसके सपोर्ट, तो एक बेहतरीन सपोर्ट देखिए यहाँ पर यही लेते हुए नजर आ रहा है, इसी पे यहाँ पर क्लोज भी हुआ है। नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर 50 रुपीज का एक बार यहाँ पर देखे तो देखिए 50 रुपीज का यहाँ पर नीचे आ सकता है, 448 रुपीज तक जो इसका रिसेंट में इसने लो बनाया था वहां तक जा सकता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। और यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो यही सपोर्ट यहाँ पर मोस्टली काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी इधर ही यहाँ पर सपोर्ट बनाता है। तो नीचे की रेंज में 50 रुपए जा सकता है, बट ऊपर की रेंज में बात करें तो ऊपर की रेंज में लगभग लगभग ये 718 रुपए का जो इसका टारगेट, 200 रुपए ऊपर जा सकता है, बल्कि और यहाँ पर दूसरा टारगेट की बात करें तो यहाँ पर 640 से जा सकता है। तो शॉर्ट में इतने ही टारगेट यहाँ पर लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं ले चलेंगे। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ये शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है, अच्छे खासे RSI 43 के RSI पे नजर आ रहा है। तो चीजें और थोड़ी नीचे मिलती है तो खरीद लीजिएगा, बट यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करना एक अच्छी रणनीति रहेगी, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर अगर नीचे आता है तो और नीचे यहाँ पर खरीदना है, अदरवाइज यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और मार्केट में अब रिकवरी यहाँ पर मोड पे दिखाई दे रही है। तो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं दूंगा, बट आपको रिकमेंडेशन भी नहीं दूंगा, सिंपली चीजें अच्छी नजर आ रही है तो हमने यहाँ पर पोजीशन लिया। बट अगर आपको पोजीशन आप लेनी है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके करना है। बाकी हमसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नीचे दे रखा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, और लाइक जरूर कर दो, और दूसरी वीडियोज को जाके जरूर देखें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।